हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम टेक। दोस्तों और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि MIUI 10 के नए अपडेट में क्या नया आया है। दोस्तों इस अपडेट का वर्जन है MIUI 10.9.1.24 और इस बार मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि भाई इन्होंने अपडेट टाइम पे दे दिया है, पहले की तरह लेट नहीं किया दोस्तों। और आज हम जानेंगे इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया आया है और क्या करेगा इसमें बग फिक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम जान लें इस अपडेट में क्या कुछ नया आया है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, अबाउट फोन के अंदर, व्हाट्स न्यू में, सिस्टम रेट व्हाट्स न्यू के अंदर, और जान लेंगे कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है, फिक्स क्लॉक टाइमर हैज़ बिन स्टार्टेड फ्लैशिंग अपॉन बींग टैप्ड। तो ये क्या है दोस्तों, अगर हम क्लॉक में चले जाएँ और यहाँ से टाइमर में हम चले जाते थे तो यहाँ पे कुछ फ्लैशिंग हो रही थी, उसको फिक्स कर दिया गया है, अब वो फ्लैशिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्लॉक फोर्स क्लॉक्स ऑन स्पेसिफिक डेट्स, कुछ दिनों पे जो है क्लॉक है वो अटक रही थी बार बार और फोर स्टॉप हो रही थी, उसे भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर क्वालिटी बेकार आ रही हो तो मुझे ज़रा सा आप कर देना माफ़, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों बेकार आ रही है, कैमरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एज अगर तेज़ धूप होती तो भाई अच्छी क्वालिटी आती, पर अभी फिलहाल धूप है थोड़ी सी डिम, तो माफ़ कर देना यार। और दोस्तों क्या है अपडेट में, अगर मैं आपको बताने की बात करूं तो भाई अपडेट में कुछ भी नया नहीं आया है। ये अपडेट था 350 से ऊपर का और इस MB का, और इसमें कुछ भी नया नहीं आया। तो दोस्तों कुछ भी नया नहीं आया दोस्तों। और ऐसे मैंने पूरी छानबीन करी है, मेरे को कुछ दिखा नहीं। दोस्तों अगर ऐसे कुछ हो गया हो कि बहुत बड़ी चीज़ आ गई और मुझे ना दिखी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को कुछ और चीज़ मिली इसके अंदर नई जो है, तो एक और वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से कि इसमें क्या नया है। ऐसे मेरे को कुछ भी नया नहीं मिला, इतना बड़ा अपडेट और कुछ भी नया नहीं, तो एक अजीब बात है थोड़ी सी। दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे अपडेट में मैंने क्या ढूंढ के रखा, तो सबसे पहले लिखा है अगेन ओल्ड चेंज टेक्स्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये क्या है, अगर हम सेटिंग में चले जाएँ और डिस्प्ले में चले जाएँ, यहाँ पे जो रीडिंग ये वाला है टेक्स्ट साइज, इसको वापस से पुराने वाला कर दिया है। पहले जो था मतलब इसको नया कर दिया था, बढ़िया लिखता था, अब इसको वापस से पुराना कर दिया है, जो काफ़ी बेकार बात है। डिस्प्ले साइज ऑप्शन इन एक्सेसिबिलिटी, दोस्तों शायद ये नया है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर अगर हम एडिशनल सेटिंग में चल जाएं और एक्सेसिबिलिटी में चले जाएं तो यहाँ पे जाके आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले साइज का, जिससे वो अपने DPI को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो पहले हिडन ऑप्शन था उसे यहाँ पे अब मेरे को लगता है इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर वैसे मैं इसको यहाँ पे कम कर दूँ, लार्ज कर दूँ, तो बड़ा हो जाएगा आप देख पा रहे हैं जैसे कि, और वापस से अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और इसको पीछे कर दूँ तो ये स्मॉल हो जाता है। दोस्तों तो ये कुछ है यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ के कारण में, एज मैं इसे वापस से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, हो जा भाई, बस डिफ़ॉल्ट ठीक है। दोस्तों ये तो सार नया आया है, मेरे को शायद लग रहा है कि नया, कंफर्म नहीं बता सकता। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फाइल मैनेजर चेंज, तो दोस्तों फाइल मैनेजर का जो अपडेट है ये मेरे को मिला था कल या परसों, और यहाँ पे फाइल मैनेजर में अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पे है ये आपकी नॉर्मल जो मतलब फोटो वोटो आती हैं, मतलब यहाँ पे जो मेन पेज है, अगर हम इस साइड स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे क्लीनअप का ऑप्शन आएगा और फेसबुक क्लीनर और ऐप्स के हिसाब से जैसे फाइल्स गो है गूगल का, वैसा ही इसको बना दिया गया है। तो MI चिप बाद, और यहाँ पे दोस्तों आपकी नॉर्मल मैसेज वो आता है जो आएगा, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको ये वाला पेज जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। दोस्तों यही कुछ आया था अपडेट में, इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं मिला कि अपडेट में जो आया हो। एज अगर मेरे को नहीं मिला क्या पता आपको मिल जाए, मैंने जाके कैमरे में भी चेक कर लिया, जैसे वीडियो शॉर्ट वीडियो पोर्ट्रेट स्क्वायर, इसके अलावा ना नाइट मोड है ना 960fps की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो पॉसिबल नहीं है वैसे तो आनी, बट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अगर मैं चेक कर लूँ इसकी वीडियो की सेटिंग में जाके कि भाई अपना आया है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 60fps शायद, बताओ यार था या नहीं था, मेरे को कंफर्म नहीं है, अगर था तो बढ़िया और नहीं था तो ये भी चीज़ हो सकती है नहीं। और 4K दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया है, पता नहीं Xiaomi कब देगा, देगा या नहीं देगा, मेरे को कुछ नहीं पता। ना मैनुअल के फुल कंट्रोल्स आए हैं, ना पोर्ट्रेट मोड के ब्लर को चेंज करने का ऑप्शन आया है, सबसे बड़ी बात मैनुअल कैमरा सपोर्ट भी नहीं आया है दोस्तों, अब का कैमरा टू भी अब तक इनेबल नहीं हुआ है, ना इसको एंड्रॉयड पाई फिलहाल मिला है, ये अभी एंड्रॉयड ओ पे ही रन कर रहा है। तो भाई इतना बड़ा अपडेट देने का क्या मतलब है, ज़रा मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि कुछ तो नया आ दिया नहीं भाई तुम लोगों ने। तो बस यही कुछ था दोस्तों अपडेट में, पर अगर आपको मैं फिर भी एक बार चेंज लॉग यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि चेंज लॉग जो आया है वो भी सुनाना जरूरी होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नॉन वर्किंग डार्क मोड। ये ये जो ये पहली वाली चीज़ है मैंने आपको बता रखी है दूसरी वाली वीडियो में जिसमें मैं आपको प्रीव्यू बताया था। नेक्स्ट लिखा है फिंगरप्रिंट स्लो टू अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्लो था उसे फिक्स कर दिया गया है। सेंटर नेम वाज नॉट डिस्प्ले इन मैसेजिंग ऐप नोटिफिकेशन, सेंटर नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा था उसे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे कैमरा जो है वो फिक्स हो गया है, मतलब उसमें जूम आउट हो रहा था पोको F1 के लिए। वेदर डिस्प्ले थोड़ी लैंग्वेज में गलत दिखा रहा था उसे फिक्स कर दिया गया। ऑपरेटर कौशल काम नहीं कर रहा था उसे फिक्स कर दिया गया। सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और कुछ भी नहीं आया दोस्तों। एज रेडमी नोट 4 के लिए मेरे को लगता नहीं अपडेट आया है, अगर आया होगा तो जरूर से बता देना मेरे को। बस दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक कोई भी नहीं किया मतलब। और एक बार कैलेंडर भी हम चेकआउट कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं है शायद, हाँ भाई कुछ नहीं है। और बस इतना ही था भाई इसकी वीडियो के अंदर। और अगर बाई चांस मैं कुछ मिस कर गया हूँ या कोई बड़ी सी चीज़ और मैं मिस कर गया हूँ तो यार कमेंट में बता देना प्लीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलता हूँ आपसे नए वाले वीडियो में। वेरी नाइस डे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड गुड बाय। और यहाँ एक और चीज़, अगर आपको वैसे भी इसका चेंज लॉक पढ़ना है तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं और MIUI 11 से रिलेटेड वीडियो कमाल की आने वाली है और उसके मतलब इस संडे को आने वाली है और उससे एक दिन पहले मैं ब्लॉग पे एक दो फीचर्स को रिवील कर दूंगा। तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिए और ब्लॉग को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लॉग को ताकि आपको नोटिफाइड हो जाए जब भी मैं उस पर एक नई चीज़ डालूँ तो। और उस पर घंटा भी दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। बाय।